नमस्कार, वेलकम बैक टू राधिकास कुक हाउस एंड लाइफ स्टाइल। होप्स आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और एज़ यूजुअल मैं भी बहुत ही अधिक खुश हूँ। कल का जो मेरा 15 मिनट्स डेली किचन क्लीनिंग वीडियो था, उसे आपने बहुत अधिक पसंद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आपको बता दूँ कि मैं होम रिलेटेड वीडियोज़ लाती हूँ, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो लाती हूँ और व्लॉग्स लेके आती हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, आपको बहुत ही अलग अलग न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज का मेरा वीडियो विंटर स्पेशल डिनर रेसिपीज प्लस किचन नाइट किचन क्लीनिंग का वीडियो है। 50 मिनट्स में आप किस तरह से डिनर और क्लीनिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सब्जियां बाहर निकाल ली है, साथ ही मैं ये पानी भरने को ले रही हूँ। मतलब एक साथ दो काम आप किस तरह से करते हो ये कर सकते हो। तो पानी एक साइड में लगा दीजिए, साथ ही आपके जो दूसरा काम है वो कर लीजिए, तो दोनों काम हो जाता है। आज मैं टमाटर का सैर बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने 10 टमाटर लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और बॉईल करने को रख देना है। बॉईल करने के लिए इसमें एक गिलास पानी डाल देना, एक गिलास के करीब, और कुकर लगा के गैस पर रख देना है। तो आज की मेरी रेसिपी है टमाटर का सैर, गाजर का हलवा, ओनियन भिंडी, राइस और परोठे। और आज के विंटर स्पेशल मेनू के बाद में मैं किचन क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने 1 किलो गाजर लिया, इसे अच्छे से वॉश करना है और छील लेना है और फिर ग्रेट कर लेना है। एक पैन में 1.5 टेबल स्पून घी लेना है। घी के गर्म होने के बाद में जो गाजर किसा हुआ है वो डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे एक साइड में पकने को रख देंगे, साथ ही मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने को उस गाजर के हलवे में डालने के लिए। और साथ साथ मैं इस तरह से अपने काउंटर टॉप को क्लीन भी करते रहिए, तो जिससे ज़्यादा पसारा नहीं होगा। मैं हमेशा एक रनर का यूज़ करती हूँ। और ये मैंने 1/2 किलो भिंडी लिया है, भिंडी को अच्छे से वॉश करने के बाद में पोंछ लेना है और जैसे हम कटिंग करते हैं मीडियम साइज़ में उस तरह से गोल कटिंग कर लेना है। मेरे इस तरीके से भिंडी बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये भिंडी कटिंग हो गई है और ये जो जितना कचरा है उसे मैं एक प्लेट में ही निकाल देती हूँ, फिर लास्ट में एक साथ डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे ना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, काउंटर टॉप हमारा क्लीन ही रहता है। लहसुन को मैं एक पानी में डालती हूँ, तो जिससे थोड़ा नरम होता है तो छिलने में ना बहुत ही आसान हो जाता है, लहसुन के छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ओनियन लिया है, ओनियन को भी इस तरह से बारीक कर लूँगी। तो मैं ना एक गलती होगी कि मैंने बारीक ओनियन किया, तो आप बारीक मत कीजिएगा, आप लंबे ओनियन काटिएगा, जो पतले लंबे कटते हैं ना बस उस तरह से। तो उसे ना ज़्यादा लसलसा नहीं होता भिंडी, पानी नहीं छोड़ता है और बहुत अधिक अच्छा बनता है। तो मैंने ये गलती से हो गया था मेरा। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें जीरा राई डाला है, फिर लहसुन की कलियाँ डाली है और ये 3 प्याज जो मैंने बारीक काटे थे वो काटे डाले हैं। तो आप पतला लंबा काटिएगा और इसे होने नहीं देना है, तलने नहीं देना है, और तुरंत आपको भिंडी डाल देना है, जो कटी हुई भिंडी है ना वो डाल देना है। तो ये दोनों साथ में होंगे, तो ये मेरा यूनिक तरीका है न्यू वाला। और साथ में 1/2 लेमन डाल देना है, तो जिससे भिंडी लसलसी बनती नहीं है, बहुत ही सूखी और ड्राई ड्राई बनती भिंडी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही साथ हम जो गाजर का हलवे के लिए रखे हैं गाजर उसे भी हिलाते रहना है बीच बीच में। तो देखिए भिंडी अच्छे से सूखी हो गई है, फ्राई हो गई है। तो अब इसे इस तरह से बीचों बीच में जगह करना है, तो जिससे ना मसाले उसमें अच्छे से फ्राई होंगे। और इसमें मसाले डालने हैं, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून कोरिंडर पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर। और इसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करना है, मसालों को अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद में स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है और 2 से 3 मिनट तक इसे फिर से पकने देना है हिलाकर। तो देखिए भिंडी हमारी बिल्कुल पक गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। और हमारे ये गाजर का जो मिश्रण है ये भी अच्छी तरह से पक गया है, घी छोड़ दिया है इसने। तो अब इसमें दूध डाल देंगे, तो दूध ना हमें गाजर के ऊपर समाए इतना ही डालना है, अंदाज से गाजर पूरा ऐसे ढक जाए पूरी तरह से। देखिए इस तरह से घी दूध डाल देना है, अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, तो इस तरह से अब इसे होने देना है। और थोड़ा सा पकने के बाद में इसमें 1 कटोरी मैं शक्कर डाल रही हूँ, 1 किलो गाजर में मैंने 1 कटोरी शक्कर डाला है। और उसके होने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया है, काजू, बादाम कटिंग करके और थोड़ा किशमिश। और इसे धीमी आंच पे फिर से पकने देना है जब तक कि ये थोड़ा अच्छा से सूखा ना हो जाए। यहाँ पे टमाटर जो मेरे बॉईल हो चुके थे तो उसे अभी छील लेना है, उसके स्किन निकाल देना है और इसे पीस लेना है। और ये टमाटर के सैर के लिए मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, 4 लहसुन की कलियाँ ली और थोड़ा सा गीला नारियल लिया है, इसे पीस लेना है थोड़ा कोरिंडर लीव्स डाल के। साथ ही एक साइड में मैंने कुकर भी लगा लिया है चावल का, 1 कटोरी चावल में 1 गिलास पानी डाल के कुकर लगा दिया है। और बीच बीच में ये गाजर के हलवे को मैं हिलाती भी रह रही हूँ। ये देखिए टमाटर का सार, जो टमाटर था उसे पीस लिया था मैंने,
अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून, उसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा डालना है, और जो हमारा मसाला था नारियल, हरी मिर्ची, लहसुन और कोथिंबीर का, धनिया का, उसे डाल देना है पिसा हुआ, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसमें 1 टीस्पून तक रेड चिली पाउडर डालना है, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप आपके तीखे के हिसाब से डालिए, और इसे अच्छे से फ्राई करना है, मसालों को अच्छे से फ्राई होने देना है। इसमें करी पत्ता भी डालिएगा, मेरे पास करी पत्ता नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, आप डालिएगा, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, और अच्छे से मसाला फ्राई होने दीजिएगा। तो देखिए हमारा मसाला एकदम अच्छे से फ्राई हो गया। अब ये जो टमाटर की प्यूरी है, जो हमने टमाटर को मिक्सर में पीसा था, वो प्यूरी को डालना है, साथ ही थोड़ा पानी, जो टमाटर बॉईल करने के लिए पानी लिया था ना, वो पानी भी डाल देना है हमें। तो इस तरह से थोड़ा सा मीडियम गाढ़ा हो जाएगा, इस तरह से करना है हमें, ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम गाढ़ा ही रखना है। अब इसमें नमक डालना है और 1 टीस्पून शुगर डालना है, शक्कर, तो जिससे ना बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये पक गया है, इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, 4 से 5 मिनट पकाना है और कोरिएंडर लीव्स डाल देना है। तो देखिए हमारा टमाटर का अचार बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही चटपटा, बहुत ही सुंदर लगता है ये, राइस के साथ में आप इसे खाइए ना, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे मैंने साइड में रख दिया है, और अब गाजर का हलवा ले रही हूँ मैं, देखने को बना है या नहीं। तो ये हलवा भी बिल्कुल बनकर रेडी है गाइस, इसने पूरा घी छोड़ दिया है। तो अब इसमें जो इलायची के पाउडर है वो डाल रही हूँ, इलायची का पाउडर कभी भी लास्ट में डालिए, और डालने के बाद में इसे तुरंत ढक दीजिए, तो जिससे उसका जो सुगंध है बाहर नहीं जाता है। तो हमारा सब कुछ बनके रेडी है। अब मैं ये आटा गूंदने को ले रही हूँ। तो जब 2-3 चीज़ करते हैं ना, तो साथ साथ में आप करते जाएंगे ना, तो तुरंत तुरंत बन जाती है चीज़ें, टाइम नहीं लगता है। जैसे मैंने टमाटर का अचार बनते बनते ही साथ में गाजर का हलवे का साइड में रखा था, वो एक हो रहा है, तब तक मैंने भिंडी का कर लिया था, तो इस तरह से ना फटाफट बन जाता है। तो मेरी रोटी भी बनकर बिल्कुल रेडी है, और चलिए अब हम थाली परोस लेते हैं। तो ये है मेरी विंटर स्पेशल थाली, गाजर का हलवा, टमाटर का सार, ओनियन भिंडी, राइस और परोठे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का स्पेशल डिनर, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके मुझे। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था आज का खाना, आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये थाली मैं मेरे मिस्टर को देने जा रही हूँ। तो अब क्लीनिंग करने को लेते हैं। तो रोटी का जो पार्ट है और कटिंग ट्रे है, उसे धोने को ले रही हूँ। ये रनर है, इसे भी हटा दूँगी, और काउंटर टेप के ऊपर जितनी भी गंदगी है, जो भी थोड़ा बहुत जो गिरा रहता है, उसे पहले टिश्यू पेपर से निकाल लेती हूँ, और सारे वस्तुओं को अलग अलग जो है सब अपने अपने जगह पर रख देती हूँ। मुझे काउंटर टेप के ऊपर कोई वस्तु ज़्यादा रखी हुई अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद में पानी में थोड़ा सा फ्लोर क्लीनर डालकर मैंने ये क्लीन कर रही हूँ। तो वो ऐसा उस तरह से क्लीन करने से ना थोड़ा सा स्मेल भी अच्छी आती है, और क्लीन भी बहुत ही अधिक अच्छे से हो जाता है। और सारी वस्तुओं को मैं हटा हटा के क्लीन करती हूँ, तो जिससे ना बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए रनर है, रनर को भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो इसे इस तरह से धो करके नल के नीचे रख देती हूँ। और ये मेरा कटिंग ट्रे, इसे भी मैं तुरंत धो के रख देती हूँ। वुडन का होने की वजह से ये ज़्यादा पानी में रहने से ख़राब हो सकता है, तो इसलिए तुरंत धो के इसे रख देती हूँ साइड में। ओनियन कटर और नाइफ्स है, उसे भी धो लेती हूँ। मेरा संगमरमर का खलबत्ता और संगमरमर की रोटी बनाने का है, तो उसे भी धोती हूँ, जिससे फूटने का डर नहीं रहता है। बाकी के बर्तन के लिए मेरी बाई आती है, तो मैं खाली जो अन्न पदार्थ है वो निकाल के पानी में से निकाल के बर्तन को रख देती हूँ एक टब में। फिर मॉर्निंग में मेरी मैड आ करके बर्तन घस लेती है, और जो मेरा बाकी का जो धोया हुआ वस्तु रहता है, उसे मैं फिर से अपने अपने जगह पर पहुँच करके रख देती हूँ। ये सब करने के लिए 5 से 10 मिनट बहुत हो जाते हैं, लेकिन बाद में किचन हमारा बहुत ही नीट और क्लीन दिखता है। गैस को भी मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, तो जैसे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, तो जो हमारे बर्तन का क्लीनर है उसको ले करके मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, उसके बाद में फिर अपने सादा पानी से पोंछ लेती हूँ, तो भी बहुत क्लीन हो जाता है, पूरा सब साफ़ हो जाता है। और डेली बेसिस पे करने की वजह से ना गंदा भी नहीं होता, और इसकी लाइफ भी अच्छी लंबी हो जाती है। और ये जो गैस के ऊपर के जो टॉप का जो बर्तन है, वो भी पूरा मैं अच्छे से घस लेती हूँ, तो जिससे ना वो लॉन्ग लाइफ चलता है। मेरा काउंटर टॉप वाइट होने की वजह से मुझे इसे बहुत ध्यान देना पड़ता है, और ये बेसिन के पास तो ना मेड बर्तन यहीं घसती है, तो जिसकी वजह से बहुत डाग डाग होता है, तो इस यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसे थोड़ा ज़्यादा मैं घस के लेती हूँ, और उसके बाद में फिर इसे इस तरह से क्लीन कर देती हूँ, तो जिससे थोड़ा बहुत डाग है वो निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा डाग तो दिख रहा है, उसे मुझे और कुछ लगा के क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा हल्का येलो पना आ ही गया है, कितना भी मैं करूँ तो भी। और जो बीच में मैं हमेशा जाली रखती हूँ बेसिन के बीच में, तो जिससे ना कचरा वगैरह सब उस जाली में जमा होता है, तो फिर उसे उठाकर हम डाल सकते हैं। और एंड में ये इस तरह से एक मॉपिंग कर लेती हूँ, मैं एक बार मॉपिंग मार लेती हूँ, तो जिससे पूरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। और ये रनर डाल दिया है एंड में, मेरा किचन एकदम नीट क्लीन हो चुका है गाइस। तो देखिए
बहुत ही अधिक साफ सुथरा क्लीन लगता है। ऐसे किचन में मॉर्निंग में आप जब आके चाय बनाओगे ना तो बहुत ही अधिक शांति मिलता है, सुकून मिलता है। तो गाइज़ आज का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की मेरी विंटर स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, आपने मेरा टाइम मुझे दिया इसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं बहुत ही अधिक सुंदर सुंदर वीडियो ऑर्गेनाइज के लाने वाली हूँ। और अब ये लाइट सब ऑफ करती हूँ, तो चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आने वाली वीडियोज़ को देखिएगा।